बिहार पंचायत चुनाव 2021। आपको बता दें बिहार में पंचायत चुनाव विभिन्न चरणों में संपन्न होने जा रही है। लगभग कई चरणों में और कई सौ प्रत्याशियों के भाग्य का आखिरकार पिटारा में बंद होने की प्रक्रिया भी आरंभ है। नामांकन जहां हो रही है तो वहीं मतगणना और मतदान भी हो रही है। बताते चले पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल में मतदान संपन्न हो चुकी है और आज मतगणना हो रही है। पूर्णिया में किसका भाग्य का उदय होगा यह तो समय के गर्भ में है। जीत और हार, खुशी और मायूसी के बीच हम आ पहुंचे हैं श्रीनगर। श्रीनगर का यह कौन सा पंचायत है? जी चनका पंचायत। हाँ चनका पंचायत। चनका पंचायत, और आप पहुंचे हैं चनका पंचायत में जानने के लिए कि आखिर जिला परिषद सदस्य पर कौन खड़ा होना चाह रहा है और कौन खड़ा होकर दूसरे को चुनौती देगा। हमारे साथ हमारे पास प्रत्याशी भी है और जानेंगे प्रत्याशी से उनके मन को गुदगुदाने वाली कुछ बातें। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, वार्ड सदस्य सभी इस पंचायत चुनाव में अपने भाग्य को आजमाते हैं, लेकिन भाग्य निर्माता आप हैं। आपका फर्ज है कि आप इनके भाग्य की रेखा को बदल दें, अपने लिए वो नेता चुने जो आपके लिए 5 वर्षों तक काम करता रहे। एक बार फिर से पंचायत चुनाव है, 5 साल बाद फिर से पंचायत चुनाव आएगा, लेकिन 5 साल के लिए आप अपना लकीर यानी हाथों की लकीर किसी को बनाने देने के मौका देते हैं तो ऐसे चुनाव कीजिए जिससे वो 5 सालों तक आपके बीच रहकर आपके लिए काम करे, ना कि आराम करे। आराम करने वालों को भुला दीजिए और काम करने वाले को चुन लीजिए। इसके लिए आपको मतदान केंद्र तक जाना होगा और मतदान करना होगा। आपका वोट आपकी ताकत है, आपका चुनाव आपका पंचायत है। ऐसे में आपको खेत और खलिहान पर जाने से पहले, रोजी और रोजगार पर जाने से पहले, दुकान और काम पर जाने से पहले एक बार वोट जरूर डालना है। क्या नाम है आपका? श्री देवनारायण पासवान। पासवान जी, देवनारायण जी, आप यहाँ से पंचायत चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? जी नहीं, इससे पहले भी लड़ चुके हैं, 2001 में लड़ चुके हैं। तो आपको क्या लगा कि आपको इस बार चुनाव में लड़ना चाहिए? क्या वजह थी, कौन सी ऐसी कारण आपके दिमाग में सबसे पहले चला जिसको लेकर आप यह मन में बिठा लिए कि नहीं हमें चुनाव के मैदान में जाना होगा? जी, 2001 की बात हम लोगों का सीख रहा नहीं, सुरक्षित सीख था पहले जी, लड़े जी, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा हुई जी, इसलिए हम लोग लड़ नहीं सके। और जनता का सेवा मैंने किया है जी, और जनता चाहा कि जनता बोले कि रहिए। देव नारायण पासवान का मानना है कि जनहित के लिए उन्होंने काम किया है, पहले भी वे करते रहे हैं और एक बार फिर से जनता के भरोसे वे इस मैदान में उतरे हैं। जिला परिषद सदस्य का मतलब ही हो जाता है पुल पुलिया का निर्माण, गांव का विकास जी। इससे आप किस रूप में देखते हैं, कैसे आप इस विकास को आगे बढ़ाएंगे? सरकार की जो व्यवस्था होगी सर, उसके अनुसार चलेंगे हम। जी जी जी, उनकी योजनाओं, उनके राशि का सही जगह सही उपयोग करना एक जिला परिषद के लिए बेहद जरूरी होता है जी। तो आप जनता को क्या भरोसा दे रहे हैं? हम भरोसा देंगे सरकार की जो व्यवस्था होगा हम करेंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप चुनाव जीत चुके हैं और आप जिला परिषद सदस्य बन चुके हैं जी, तो आप पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी, कौन सा काम पहला आप करना पसंद करेंगे? सबसे पहला प्राथमिकता होगा जनता वर्ग पर, विकास के काम पर, जनता के लिए, जनता का जो विकास कार्य है, जो पेंडिंग है, जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा करना जी। जी, तो जनता के भरोसे पर आखिर देवनारायण पासवान कितने खड़े हैं, कितने कामयाब होंगे, यह सब वोट के मतदान के बाद मतगणना के पटेर से जब खुलेगा पिटारा तब पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए तो आप ही इनके भाग्य निर्माता हैं। वोट आप डालेंगे और आपके वोटों से ही कोई सही उम्मीदवार चुनकर सामने आएगा।
अपने सही उम्मीदवार को जिताने के लिए आपको घरों से बाहर निकलना है। खेत खलिहान से जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले एक बार फिर से अनुभव यहाँ अपील करती है कि आप अपने कामों पर जाने से पहले अपना वोट का मतदान जरूर करें, अपनों का मत लेकर के साथ में, अपने परिवार को साथ में लेकर के वोट का मतदान जरूर करें, क्योंकि यही निर्णय करेगा आपके लिए 5 सालों तक ऐसे नेता को जो आपके लिए काम करे। देव नारायण जी, अगर आपको जनता से अपील करना होगा तो आप क्या कहेंगे जी? अगर आपको जनता से वोट मांगना है, अपील करना है तो आप क्या कहेंगे जी? अगर आपको जनता से वोट मांगना है, अपील करना है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, जनता खुद समझ रही है सर। तो फिर आप इस चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे उनको? हम तो कह रहे हैं कि जनता का सपोर्ट है, जनता का सहयोग है, इसलिए हम खड़े हैं। तो वो तो है, लेकिन जनता से आप क्या कहेंगे? कि जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप हमें वोट दें, क्यों दें, ये बताइए जी। नहीं, जनता क्या, जनता खुद बुझ रही है, जनता खुद समझ रही है कि हम इनको जिताएंगे और हमारे विकास का काम। इनका मानना है कि जनता से हम अपील क्या करें, जनता स्वयं हम जान रही है कि यहाँ बदलाव की आवश्यकता है और उसके अनुरूप हमें जीत दर्ज कराएगी। यह समझिए कि भरोसे पर खरा उतरने को तत्पर है देवनारायण पासवान। अब इनके भरोसे पर आप कितने खड़े हैं, आप इन्हें कितना समर्थन करते हैं, यह तो वोट के दिन वोट डाल करके ही आप साबित कर सकते हैं। एक बार फिर से अनुभवी आके अपील करती है कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालिए, उन्हें जिताइए, ताकि आपके लिए 5 सालों तक काम होता रहे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। बिहार पंचायत चुनाव की हर खबर लेकर हम करेंगे आपको अपडेट, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।